क्वेश्चन नंबर टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है। हमारे पास मीडियन गिवन है, हमें मीडियन नहीं इवेल्युएट करना, हमें क्या करना है जो ये एक्स और वाई इन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। कैसे किया जा सकता है, मीडियन दे रखा है 28.5, तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हम पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ से लिखते हैं, ये होगी हमारे पास 5 प्लस एक्स, ये हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी बनी है 5 प्लस एक्स। नेक्स्ट टर्म होगी 5 प्लस एक्स, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे लिखी, प्लस में 20, तो ये वाली टर्म हमारे पास बनी है 25 प्लस एक्स। नेक्स्ट क्या होगी, 25 प्लस एक्स प्लस 15, इसमें 15 और ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगी 40 प्लस एक्स। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 40 प्लस एक्स प्लस में वाई, ऐसे की ऐसे रहने दीजिए इसको। इसके अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म ऐड कर देते हैं, तो नेक्स्ट बनेगी 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ये वाली टर्म एज इट इज लिखी, प्लस में 5, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास जो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आई हैं उन्हें राउंड ऑफ कर देता हूं, ये आपके पास सिंगल, तो ये वाली है हमारे पास यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये बनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं कि मुझे यहाँ पे मीडियन क्लास निकालनी है, एन कितना देर का है 60, तो एन बाई टू हो जाएगा हमारे पास 30, एन बाई टू तो हो गया 30, लेकिन यहां से देखिए एक्स दे रखे हैं, कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू 30 से कम है, नहीं पता चल सकता, तो उसके लिए आप आइए मीडियन पे, मीडियन कितना दे रखे है 28.5, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए 28.5 आपके पास 20 और 30 के बीच में होगा ना, तो आपके पास ये वाली क्लास जो होगी ये आपके पास मीडियन क्लास होगी। अगेन से देखिए जो भी आपके पास आंसर बनता है मीडियन का वो हमेशा इस क्लास इंटरवल से बनता है, कौन से में लाई कर रहा है, ये इसमें कर रहा है ना 20 से 30 के बीच में 28.5, तो ये आपके पास मीडियन क्लास बन जाएगी। ये आपके पास यहाँ से एल आएगा, फ्रीक्वेंसी होगी एफ और सी, सी क्या होता है मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, इससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इन सभी वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू बनी है 20, H की वैल्यू क्लियरली आ रही है 10, 30 माइनस 20 करोगे 10, 10 10 का इनके अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा हमें चाहिए C की वैल्यू बनी है 5 प्लस एक्स, F की वैल्यू बनी है 20, इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो मीडियन इज इक्वल टू होगा L की जगह लिखेंगे 20 प्लस n बाई टू कितना है 30 माइनस C की वैल्यू है 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं क्योंकि जब ये माइनस खोलेंगे तो दोनों टर्म में माइनस की हो जाएंगी, अपॉन में F की वैल्यू है 20, H की वैल्यू है 10, ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। 20 को इस तरफ लेके आते हैं, मीडियन कितना दे रखे हैं हमारे पास 28.5, तो मीडियन की जगह लिखा जा सकता है 28.5, 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, माइनस 20 इज इक्वल टू खोल लेते हैं इसे, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस 5, 30 में से 5 जाएगा 25,
माइनस एक्स अपॉन में टू, वैल्यू आई है सब्ट्रैक्ट करने बाद 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाय टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया 8 दूनी कितना हुआ 16 और 0.5 का करेंगे डबल तो 1, तो ये हो गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स को इस तरफ ले आते हैं, 17 को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 17, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू बनी है 8। हम निकालते हैं वाई, वाई देखिए कैसे निकाला जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया है जो आपके पास ये टोटल दे रखा होता है यहाँ पे एन, और जो ये आपके पास लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, ये दोनों क्या होती हैं हमेशा इक्वल होती हैं, तो ये यूज कर लेते हैं यहाँ से, तो 60 इज इक्वल टू होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसके अंदर एक्स की जगह पुट कर देते हैं 8, तो ये बनेगा 60 इज इक्वल टू 45 प्लस 8 प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू ये 60 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कितना बना 55, इधर प्लस का है 55 तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 53, ऐड करने पे वैल्यू बन रही है 53, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7, तो y की वैल्यू बनी है हमारे पास 7, x की वैल्यू आई है 8 और y की वैल्यू आई है 7,